जिम बैरेट लॉस एंजेलिस का एक लिटरेचर प्रोफेसर है जो जुए की लत से खुद को हार रहा है। एक ऐसा शख्स जिसके पास सब कुछ होता है, घर होता है, गाड़ी होती है, बैंक बैलेंस होता है, पर उसके बावजूद वो सब कुछ दांव पे लगा देता है ये जानते हुए भी कि वो सब कुछ हार रहा है। कहानी की शुरुआत जिम बैरेट से होती है जो अस्पताल में अपने दादाजी को मिलने के लिए जाता है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए क्या करोगे, मुझसे झूठ बोलने की सोचना भी मत, तुम जानते हो कि मैं मरने वाला हूँ। वो कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है। उसके दादाजी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी ना दूँ तो तुम कैसे जियोगे, क्या तुम इस ताकत को संभाल पाओगे। तो वो कहते हैं कि तुम अपने आखिरी पलों में बिल्कुल भी टेंशन ना लो, और ऐसा कहकर वो उन्हें एक आखिरी सलाम देता है। जिम बैरेट अपने दादाजी को आखिरी श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे मिस्टर ली के कसिनो में जाता है। मिस्टर ली उस कसिनो के मालिक होते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा रुतबा होता है, और जिम बैरेट ने पहले से ही मिस्टर ली के 2,40,000 रुपये उधार ले रखे हैं। जिम बैरेट के पास 10,000 रुपये का कैश होता है जिसे काउंटर पर जाकर वो चिप खरीद लेता है, और जाकर के सामने वाली टेबल पर बैठ जाता है और अपने 10,000 रुपये की चिप की दाव पर लगाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है इसलिए वो उन 10,000 रुपये को जीत जाता है और 20,000 रुपये आते हैं उस पर। उसके बाद वो उस 20,000 का भी दाव लगाता है और फिर 40,000 जीत जाता है, क्योंकि जिम बैरेट एक ऐसा शख्स है वो जब तक खेलता रहता है जब तक कि उसके पास एक फूटी कौड़ी ना बचे, और जीतते जीतते वो एक बार में फिर सब कुछ हार जाता है। यहाँ पर जिम बैरेट की मुलाकात नेविले से होती है। नेविले जिम बैरेट से कहता है कि उम्मीद करता हूँ दोस्त तुमने अपने घर का रेंट पे कर दिया होगा। जिम बैरेट उससे कहता है कि मैं रेंट पे नहीं करता। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि नेविले इस शहर का एक काफी खास शख्स होता है जिसे खतरा उठाने में काफी मजा आता है, और वो काफी कोरियंस को मार भी चुका है। यहाँ पर नेविले कहता है जिम बैरेट से कि दोस्त क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। तो जिम बैरेट कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी ये कैब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तुम चाहते थे कि मैं कोई प्रॉब्लम बताऊं, मैंने इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। नेविले मुस्कुराकर इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। नेविले को पता होता है कि जिम बैरेट एक जुआरी है और वह जानबूझ करके उसको उकसा रहा होता है। जिम बैरेट कहता है कि मेरे पास आखिरी $500 है, क्या तुम इसकी एक बाजी खेलना चाहोगे। नेविले उसके $500 के आगे अपने 10,000 की बाजी लगाता है। नेविले के पास एक बड़ा कार्ड आ जाता है किंग का, क्योंकि जिम बैरेट को पता होता है कि वह जीत चुका है, इसलिए वह उसका मजाक उड़ाने के लिए कहता है कि बिल्कुल तुम जैसा दिखता है। वह उसे उसकी जीत की मुबारकबाद देकर के सीधे मिस्टर ली के पास जाता है। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम आज जब सुबह आए थे तो तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे, पर तुमने उसे मुझे देने की बजाय वहाँ जुए में लगा दिए। जिम बैरेट कहता है कि यही तो एक खास जुआरी की पहचान होती है। मिस्टर ली जिम बैरेट को 7 दिन का समय देते हैं उसके 2,40,000 रुपए लौटाने के लिए, लेकिन जिम बैरेट अभी जुआ खेल के संतुष्ट नहीं था। जिम बैरेट सीधे नेविले के पास जाता है, उससे 50,000 का लोन मांगता है, क्योंकि नेविले को रिस्क लेना पसंद होता है, इसलिए वह उसे 20% ब्याज पर देने का ऑफर देता है, जिसे जिम बैरेट मंजूर कर लेता है और उसे 50,000 रुपए मिल जाते हैं। जिम बैरेट उन 50,000 में से 40,000 रुपए की चिप खरीदता है और उसे एक टेबल पर ले जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो लेडी दाव लगा रही होती है। वहाँ पर वो पूरे 40,000 रुपए का दाव खेलता है और जीत जाता है। उसके बाद वो उन पूरे 80,000 रुपए का दाव लगाता है तो वो लेडी घबरा जाती है। जिम बैरेट उसे समझाता है कि तुम डरो मत, इस गेम में कोई लिमिट नहीं होती है। तो वह लेडी उसे समझाती है कि ये तुम्हारे भले के लिए है, और जिम बैरेट हंसने लगता है और कहता है कि ये भला बुरा मैं अपने आप सोच सकता हूँ, और यहाँ पर कोई भी अपने भले के लिए नहीं आता है। क्योंकि जिम बैरेट अब 1,60,000 रुपये जीत चुका होता है, इसलिए वो उनको 1,60,000 रुपये की चिप को रॉलेट पर ब्लैक कलर पर लगा देता है। रॉलेट में ब्लैक की जगह रेड आता है और वो उन पूरे 1,60,000 रुपये को भी हार जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है जिम बैरेट के अगले 7 दिन की, जो उसे मिस्टर ली ने दी थी। क्योंकि जिम बैरेट एक लिटरेचर प्रोफेसर होता है, इसलिए नेक्स्ट डे उसे क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को शेक्सपियर के एक चैप्टर पर लेक्चर दे रहा होता है। अब अपनी थ्योरी समझाने के लिए डेक्स्टर को खड़ा करता है और कहता है, डेक्स्टर सेकंड रैंक टेनिस प्लेयर है, सिर्फ यहाँ इस कॉलेज का ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई टेनिस प्लेयर है या फिर तुम बचपन से खेलते आ रहे हो। डेक्स्टर कहता है कि मैंने 5 साल पहले हाई स्कूल से खेलना शुरू किया था। जिम बैरेट डेक्स्टर से पूछते हैं कि तुम किसके लिए खेलते हो, दौलत के लिए या शौहरत के लिए। डेक्स्टर कहता है कि मैं दोनों के लिए खेलता हूँ। जिम बैरेट कहता है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसके लिए हमारे अंदर टैलेंट है, बल्कि वो काम नहीं जिसके लिए हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। जिम बैरेट कहते हैं कि यहाँ पर किसी की भी राइटिंग अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी भी राइटिंग अच्छी नहीं है सिवाय एक शख्स के, और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो राइटर बनने लायक हो सिवाय उसे एक शख्स के जिसके अंदर काबिलियत है। जिम बैरेट यहाँ पर एक स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, कहते हैं क्या वो तुम हो सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, और जब बोलते हो तो बिल्कुल रेडियो की तरह चालू हो जाते हो।
एक राइटर की असली पहचान होती है कि वो बहुत ज़्यादा शांत होता है और अपनी राइटिंग में हमेशा डूबा रहता है। इस पूरी क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसके पास काबिलियत है एक अच्छा राइटर बनने की। जिम बैरेट यहाँ पर अपनी एक स्टूडेंट एमी फिलिप्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सिर्फ वही एक शख्स है जो हमेशा शांत रहती है और हमेशा अपनी राइटिंग में डूबी रहती है। तुम सब सिर्फ अपने ख्वाबों में राइटर बन सकते हो, बट वो हकीकत में बन सकती है। वो एमी फिलिप्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ऐसा क्यों है मिस फिलिप्स, तुम इतनी अच्छी राइटर कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारे फैमिली में कोई राइटर है या फिर कोई लिटरेचर? तो एमी फिलिप्स उसको मना करती है। जिम बैरेट उससे पूछता है कि तुमने किस उम्र से पढ़ना शुरू किया था? तो यहाँ पर एमी फिलिप्स बताती है कि उसने 2 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया था। जिम बैरेट कहता है कि आज के बाद जब भी तुम मेरी क्लास अटेंड करने आओ तो सबसे आगे वाली रो में बैठना, क्योंकि वही तुम्हारी असली जगह है, वरना आना ही मत। इसके बाद सीधे वो अपनी माँ से मिलने के लिए टेनिस कोर्ट में जाता है, जहाँ पर वह डेक्स्टर के साथ टेनिस प्रैक्टिस कर रही होती हैं। डेक्स्टर उसका स्टूडेंट होता है जो वर्ल्ड का सेकेंड बेस्ट टेनिस प्लेयर होता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर पैसे क्यों चाहिए? अगर तुम अपनी आदतों को सुधारना चाहते हो तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिम बैरेट कहता है कि मेरी आदतों के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम खुद की क्रिएट की हुई मुसीबतों से अगर दूर रहना सीख लो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, वरना नहीं। यहाँ पर उन दोनों की थोड़ी सी झड़प हो जाती है और उसके बाद वो बिना पैसे लिए ही चला जाता है। अब जिम बैरेट के पास सिर्फ 6 दिन का समय बाकी होता है और वो फ्रैंक के पास जाता है। फ्रैंक मिस्टर ली और नेविले की तरह ही एक काफ़ी खतरनाक और नामी बंदा होता है। वो काफ़ी तरीकों से पैसा कमाना जानता है, जिसमें से एक तरीका उधार देना भी है, पर इन सब के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा समझदार बंदा होता है। फ्रैंक कहता है कि तुम्हें आखिर इतना बड़ा अमाउंट चाहिए ही क्यों? तुम एक जुआरी हो, तुम्हें जितना दिया जाएगा तुम्हारे लिए उतना ही कम रहेगा। तुम ये भी हार जाओगे और जब तुम मेरी बताई हुई तारीख पे मेरा पैसा वापस नहीं लौटा पाओगे तो मैं मिस्टर ली और नेविले की तरह बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली को बम से उड़ा दूंगा। तो जिम बैरेट कहता है कि इस मामले में हमारी फैमिली को मत लाओ। फ्रैंक कहता है कि तुम यहाँ मेरे पास उधार मांगने आए हो, भीख नहीं। जिम बैरेट कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम्हें उधार चाहिए तो अपने मुंह से बोलो कि हाँ तुम्हें उधार चाहिए। कहो कि तुम एक नकारा और बेकार आदमी हो जो सब कुछ हार चुका है, उसके बावजूद उसे और उधार चाहिए। असल में फ्रैंक उसे किलसाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जिम बैरेट कहता है कि मैं इतना सब कुछ एक साथ याद नहीं कर सकता। तो फ्रैंक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को थोड़ा और आसान कर देता हूँ, कहो कि तुम एक मर्द नहीं हो। असल में फ्रैंक उसे किलसाने में कामयाब हो जाता है और जिम बैरेट वहाँ से चला जाता है। जिम बैरेट अपनी क्लास के एक रूम में बैठा हुआ होता है और देखता है कि यहाँ एमी फिलिप्स आती है और सबसे आगे वाली रो में आकर बैठ जाती है और काफी गुस्से में दिख रही होती है। वो पीछे से आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? एमी फिलिप्स कहती है कि तुम मुझसे बाहर क्यों नहीं मिलते? जिम बैरेट कहता है कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूँ इसीलिए मैं लोगों को बुरा लगता हूँ। एमी फिलिप्स उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अगर कहना चाहते हो तो प्लीज मुझसे कह दो, क्योंकि तुम जब भी बोलते हो तो सही बोलते हो। जिम बैरेट उससे कहता है कि तुम यहाँ से अभी की अभी चली जाओ, क्योंकि शायद वो अकेला रहना चाहता था। लेकिन एमी फिलिप्स नहीं जाती और वो जाती भी है तो जाकर के उसकी लिखी हुई नोबल को उठा लाती है। असल में जिम बैरेट ने एक नॉवल लिखी थी, बट वह उस पर अपना नाम नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका नाम हो। एमी फिलिप्स उससे जिद करती है कि वह उस नॉवल पर अपना नाम लिखे और अपने साइन करे, पर एमी फिलिप्स जिद करके उस पर उसके साइन और नाम लिखवा लेती है। एमी फिलिप्स उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए ऑफर करती है, बट वो मना कर देता है। वो कहता है कि उन्हीं में से एक चीज़ है जो मैं अब नहीं करता। जिम बैरेट के पास अब सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर उसको नेविले का कॉल आता है। तो वो कॉल अटेंड करके कहता है कि मैं एक भिखारी बोल रहा हूँ और बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो नेविले कहता है कि मैं तुम्हारी बुक पढ़ रहा हूँ और इस सच में काफी काबिले तारीफ है। बैरेट कहता है तो ठीक है, तुम उसे मुझसे खरीद लो, उस पर एक फिल्म डायरेक्ट करो, शायद वो तुम्हारा पैसा चुका सके। तो नेविले कहता है कि इतनी काबिले तारीफ नहीं रहेगी। नेविले कहता है कि तुम फ्रैंक के पास उधार मांगने गए थे और उसने तुम्हें उधार दिया नहीं। जिम बैरेट कहता है कि वो तो उधार देना चाहता था पर मैंने ही उधार नहीं लिया। तो नेविले कहता है कि शायद तुम्हें उसकी शर्तें मंजूर नहीं थी। वो कहता है कि हाँ। नेविले कहता है कि मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी और मैंने जो कैश दिया था वो मुझे वापस चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हारी कार ले जा रहा हूँ। यहाँ जिम बैरेट को हम अपनी क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो लोगों को समझा रहा होता है कि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले और जो बता रहा है उसको नोट करते रहें, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई भी स्टूडेंट उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ लमार जो बार बार अपना फ़ोन निकाल कर उसमें चैटिंग करने लग जाता था, तो वो उसको समझाता है, उसको डांटता है कि प्लीज़ 1 घंटे के लिए यहाँ पर ध्यान दे लो, क्योंकि कॉलेज चाहता है कि मैं तुम्हें पास कर दूँ ताकि तुम बाहर जाकर के सिर्फ अपनी बास्केटबॉल खेलते रहो। जिम बैरेट यहाँ पर अपनी क्लास को ख़त्म करता है और लमार को छोड़कर बाकी सबको बाहर जाने के लिए कहता है।
लमार उससे कहता है कि सिर्फ आप ही की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मैं इस बारे में बात करना ही वाला था क्योंकि मैं किसी और से इस बारे में बात नहीं कर सकता। वो कहता है कि उसे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना और ना ही उसे लमार बनना है द बास्केटबॉल चैंपियन, वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, बट उसका कोच इस बात को नहीं समझता और उससे दिन रात मेहनत करवाता है। लमार कहता है कि मुझे प्रो बनना है बट मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है। वो कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे मेरी माँ का ऑपरेशन कराना है या मेरी छोटी बहन चल नहीं पाती, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मेरे घुटने में तकलीफ है। वो चाहते हैं कि मैं अगले साल भी बास्केटबॉल खेलूँ लेकिन मैं अभी भी जूनियर ही हूँ। जिम बैरेट थोड़ा परेशान होता है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपना उधार कैसे चुका है, वो साथ ही साथ लमार के लिए भी परेशान होता है। जिम बैरेट टॉयलेट में बैठकर लमार का मैच देख रहा होता है, इतने में उसकी माँ आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने इस पर भी मैच लगाया है, तो इतने में जिम बैरेट कहता है कि मैं इस पर पैसा क्यों लगाऊंगा, वो एक मेरा स्टूडेंट है और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। असल में नेविले ने उसकी माँ को फोन करके सब कुछ बता दिया होता है कि उसके बेटे ने उससे उधार लिया हुआ है और वो उसको चुका नहीं पा रहा है। इस उसकी माँ उसकी हेल्प के लिए आई हुई होती है, वो उससे पूछते है कि अगर तुम उसका उधार नहीं चुका पाए तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। वो कहता है कि वो मुझे मारेंगे, मेरी प्रॉपर्टी को हत्या लेंगे और साथ ही साथ मेरी फैमिली को भी परेशान करेंगे। ऐसा सुनकर के उसकी माँ को बहुत गुस्सा होता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। जिम बैरेट कहता है कि तुम्हारे ऐसा कर देने से मैं सुधर नहीं जाऊंगा, हर किसी की जिंदगी में एक समय आता है जब वह अपने आप सुधर जाता है, मैं भी एक टाइम के बाद सब कुछ ठीक कर दूंगा। वह उसे अपने साथ बैंक आने के लिए कहती है ताकि वो अपने बैंक से पैसे निकाल करके उसे मदद के लिए दे सकें। और वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि मैं आखिरी बार तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, उसके बाद अपनी मनहूस शकल मत दिखाना। वो 260,000 रुपये उस बैंक से निकालती है और उसको पकड़ा देती हैं। एमी फिलिप्स ड्राइव करके कहीं जा रही होती है, वो देखती है कि जिम बैरेट वहाँ एक बेंच पर बैठा हुआ है। उसे देख करके वो उसको अपने साथ आने के लिए कहती है और जिम बैरेट तैयार हो जाता है। क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए वो किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर किसी शांत सी जगह पर वो बैठ करके एक दूसरे से बातें कर सकें। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। उसके बाद वो सारा पैसा लेकर के एक कैसीनो में चला जाता है। वहाँ जाकर के वो एक टेबल ढूंढता है और वहाँ पर जाकर 10,000 रुपए की चिप खरीदता है। एक ब्लैक कैप में बैठा बंदा उससे कहता है कि तुम कितना मोटा पैसा लगाना चाहते हो, तो वो कहता है कि जितना हो सके उतना। तो वो उसे रिप्लाई में कहता है कि अगर मेरी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती तो शायद मैं भी यही कहता। तो जिम बैरेट कहता है कि वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है। वो पहले 10,000 की चिप जीतता है, उसके बाद फिर वो हार जाता है। उसके बाद इसी तरह से वो 10,000 करके पैसे निकालता रहता है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड देखती है कि वो कुछ ज़्यादा ही अपने जुए में खो चुका है और उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए वो अलग चली जाती है और जाकर के अपनी ड्रिंक पीने लगती है। यहाँ पर घंटों तक गेम चलती है और एमी फिलिप्स उसका वेट कर रही होती है। जिम बैरेट धीरे धीरे करके सारे पैसे हार रहा होता है हमेशा की तरह, और वो तब तक खेलता है कि जब तक कि उसके पास सब कुछ हार ना जाए, और ऐसा ही होता है। वह अपना सारा पैसा हार जाता है जो उसने 260,000 रुपये अपनी माँ से लिए थे। वो दोनों घर लौटते हैं और एमी फिलिप्स उससे पूछती है कि तुम सब कुछ हार गए, तो वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कहता है कि मुझे हर चीज़ में जीत दिखाई देती है या फिर उसके बाद मौत, और मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, मुझे हर चीज़ में जीत दिखाई देती है, और अगर कोई हार जाता है तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान क्या होना। और एमी फिलिप्स उसे किस कर लेती है। अब जिम बैरेट के पास सिर्फ 3 दिन का समय होता है। वो एक रास्ते से जा रहा होता है कि देखता है कि सामने से नेविले की गाड़ी आ रही होती है। वो तुरंत ही एक गली में घुस जाता है, बट वो कितना दूर जाता। वो अपनी कार से उसके पास आता है और उसके पास आकर के कहता है कि तुम्हारी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। तो जिम बैरेट नेविले से कहता है कि मैंने तुम्हारी डेडलाइन याद रखना जरूरी नहीं समझा। इस बात पर नेविले किलस जाता है और वो उससे कहता है कि क्या सौदा करते हैं लमार को लेकर। तो जिम बैरेट कहता है कि इन सब का लमार से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि लमार का भी लेना देना है और तुम मुझे उसका नंबर दोगे, तो वो उसको नंबर दे देता है। जिम बैरेट ने लमार का गलत नंबर उसे दिया होता है और इस बात के लिए नेविले उसे मैसेज भी करता है कि तुमने सही नहीं किया मुझे गलत नंबर पकड़ा कर। जिम बैरेट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता, समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो जब सुबह उठता है तो सामने मिस्टर ली को पाता है। मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि तुम उसका उधार कैसे चुकाओगे, तो जिम बैरेट कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं इसमें फंस चुका हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे बाहर निकलूँ और लोगों का उधार चुका सकूँ तो मुझे और उधार दो। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उसके साथ क्या करे। वो उसे थोड़ा मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। वो एक दुकान पर आता है और उससे कहता है कि मैं ये घड़ी बेचना चाहता हूँ, ये घड़ी बिल्कुल नई है क्योंकि तुम्हारी गुडविल भी अच्छी है इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस घड़ी को ले लो। वह दुकानदार से कहता है कि पहले मेरी एक बात सुन लो, क्योंकि मैं जो एक बार रेट बताऊंगा तो उसमें हाँ या ना में जवाब देना। मैं यहाँ कहता है कि चलो ठीक है लेकिन अपना दाम तो बताओ, तो वो कहता है कि घड़ी 6,000 रुपये की, मैं तुमसे 3,500 रुपये मांग रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दो। दुकानदार थोड़ी देर सोचता है और फिर उससे कहता है कि मैं इसके 1,000 रुपये दे दूंगा। जिम बैरेट समझ जाता है कि उसे समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, वो उसको वो दाम नहीं देने वाला, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है।
वो दुकान से बाहर आ जाता है, उसके पीछे पीछे दुकानदार भी आता है, उससे कहता है कि मैं इसके 2,000 रुपए दे दूंगा और इससे ज्यादा कोई भी दुकानदार तुम्हें नहीं देगा। तो इस बात पर वो मुड़कर आता है और जिम बैरेट उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे कोई बैस नहीं चाहिए। वो वहां से चलने ही लगता है कि देखता है कि सामने से नेविले की गाड़ी आती है और उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर लेके जाते हैं। उसे नेविले उसे एक कुर्सी से बांध देता है और उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया और मुझे पता है ये तुमने जानबूझ करके नहीं दिया था, गलती से तुमने मुझे गलत नंबर पकड़ा दिया। तो जिम बैरेट कहता है कि मैंने गलती से नहीं जानबूझ करके तुम्हें गलत नंबर दिया था। तो इस बात पर नेविले कहता है कि अब मेरा आदमी तुम्हें एक असली चीज देगा और उसे एक जोरदार पंच मारते हैं। वो उससे कहता है कि अगर तुमने लमार को मैच फिक्सिंग के लिए नहीं मनाया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा, उसके बाद तुझे भी। नेविले चाहता है कि वो लमार को मना ले मैच फिक्सिंग के लिए क्योंकि वो एक बास्केटबॉल चैंपियन है और नेविले उस पर पैसे लगाकर जीतना चाहता है। जिम बैरेट अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है, इतने में वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एमी फिलिप्स भी वहां पर आ जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें उसने मारा। तो वो कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है और कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी बीवी नहीं। वो उससे कहता है कि वो उसे गुड बाय बोल दे क्योंकि वो वहां से जाना चाहता है। वो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे दरवाजे पर वापस आ गया तो समझ लेना कि सब कुछ ठीक हो गया, अगर मैं नहीं आ पाया तो समझ लेना कि कुछ भी ठीक नहीं था और मैं मर गया। एमी बैरेट लमार के पास आता है, लमार अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह वहां पर आकर के कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे घुटने में तकलीफ है और तुम्हें पैसे की भी जरूरत है, ऐसा लगेगा अगर मैं तुम्हें 2 घंटे के काम के 1.5 लाख रुपए दूं। लमार कहता है कि आपके पास इतना पैसा कहां से आएगा और मुझे किस काम के पैसे मिलेंगे। वो कहता है कि तुम्हें कल के मैच में 8 पॉइंट से ज्यादा नहीं बनाने और तुम्हें हारना है। तो लमार कहता है कि मुझे हारना नहीं है, इसका मतलब मुझे सिर्फ 8 पॉइंट से कम बनाने हैं मैच से। लमार उससे पूछता है कि क्या मेरे ऐसा करने से तुम बच जाओगे। वो कहता है कि हाँ। इसके बाद वो दोबारा फ्रैंक के पास जाता है और जाकर के उससे पैसा उधार मांगता है। फ्रैंक उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो या फिर तुम्हारे दिमाग पे पत्थर पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें उधार तो दे दूंगा लेकिन मुझे वादा करो कि तुम मेरा पैसा लौटा दोगे, अगर तुम नहीं लौटा पाए तो मैं, तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, और अगर तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को उड़ा दूंगा। फ्रैंक उसे काफी ज्यादा डराता है, धमकाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी इतनी सारी शर्तों के बावजूद भी मेरा उधार लेना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं उधार लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है। उसके बाद फ्रैंक उसे अपनी गाड़ी की चाबी देता है और उससे कहता है इस गाड़ी में उसके 2,60,000 रुपए रखे हुए हैं, इसके साथ साथ वो अपनी गाड़ी भी दे रहा है, उसे ले जाए, और उसे समझाता भी है कि वो इन सब चीजों से बाहर निकल आए। 2,60,000 रुपए लेने के बाद वो मिस्टर ली के पास जाता है और वहां जाकर के 1.5 लाख रुपए उधार और मांगता है। तो इस बात पर कि मिस्टर ली की और किरस जाती है और उसके दोनों आदमी उसे बहुत मारते हैं, और उसके बावजूद वो ढीठ की तरह वो यही कहता है कि मुझे और पैसा चाहिए ताकि मैं तुम लोगों का उधार चुका सकूं, तो प्लीज मुझे उधार दो। मिस्टर ली कहता है कि तुम फ्रैंक के पास क्यों गए थे, तो वो मना करता है कि मैं फ्रैंक के पास नहीं गया था। काफी ज्यादा टॉर्चर होने के बाद मिस्टर ली मान जाता है और वो कहते हैं कि चल ठीक है मैं तेरे को 1.5 लाख रुपए दे देता हूँ, और वो उसको 1.5 लाख रुपए दे देते हैं। अपने आप को इस झमेले से निकालने के लिए अब उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वो 2,60,000 रुपए को डेक्स्टर को दे देता है। डेक्स्टर उसका स्टूडेंट होता है जो टेनिस चैंपियन होता है। डेक्स्टर उन 2,60,000 रुपए लेकर वेगस चला जाता है जहाँ पर वो उस पैसे को लगा सके लमार पर। बचे हुए 1.5 लाख रुपए को वो लमार को दे देता है ताकि वो 8 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट ना बना पाए। उसके बाद अगले दिन वो मैच शुरू होता है और नेविले बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो ये मैच जीतने वाला है क्योंकि उसने वो सारा पैसा लमार पे लगा रखा है। लमार शुरू में तो लगातार पॉइंट करके सबको डरा देता है और नेविले भी डर जाता है कि वो सोचता है कि मैंने सारा पैसा इस पर लगा रखा है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और उसके बाद वो गोल करना बंद कर देता है और वो 8 पॉइंट से ज्यादा नहीं बनाता लेकिन मैच जीतता है। और इस तरह से किसी को शक भी नहीं होता कि लमार मैच फिक्सिंग कर रहा था। साथ ही साथ नेविले भी अपने पैसे जीत जाता है और वो बहुत खुश होता है। जिम बैरेट उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अब तो तुम खुश हो, हमारा हिसाब बराबर हो गया, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहोगे। नेविले उससे कहता है कि तुम्हें पता है आज की गेम से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लास वेगस में एक ऐसा शख्स है जिसने सेम गेम लगाई थी और उसने बहुत सारा पैसा लगाया था और वो जीत गया, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन था, शायद तुम्हें पता हो या फिर तुमने किसी को बताया हो। तो वो कहता है कि नहीं, ना तो मुझे पता है और ना ही मैंने किसी को बताया। इसके बाद वो एक लिफाफा निकालता है जिसमें नेविले से लिए हुए उधार पैसे होते हैं जो उसने उस क्लब में लिए थे, वो उसे सूद समेत वापस करता है। तो नेविले उस पर शक करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। जिम बैरेट कहता है कि मैंने फ्रैंक से उधार मांगा था और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद पूछ लो उससे। जिम बैरेट उसका उधार देने के बाद जा ही रहा होता है कि इतने में नेविले कहता है कि अगर इंसान चाहे तो खुद को बदल सकता है। एक्स्ट्रा जीते हुए पैसे के साथ लास वेगस से वापस आ जाता है। जिम बैरेट कहता है कि उस बैग को खोलो और अपने लिए 50,000 रुपए उसमें से निकाल दो। तो डेक्स्टर मना कर देता है, कहता है कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में मैं काफी अच्छा प्लेयर बन जाऊंगा इसलिए मेरे को इस सब की जरूरत नहीं है। तो जिम बैरेट कहता है कि तुम्हारी मर्जी, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिम बैरेट फ्रैंक का उधार देने के लिए उसे एक खास क्लब बुलाता है
फ्रैंक उसे मना करता है। वो कहता है कि वहाँ पर लोगों को लूटा जाता है, इसलिए मैं वहाँ उस जगह पर नहीं आऊंगा। फिर वो पूछता है क्या वो अब मिस्टर ली और मेरा दोनों का उधार लेकर के आया है। तो जिम बैरेट कहता है मिस्टर ली के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा सारा पैसा लेकर आया हूँ। इसके बाद फ्रैंक कहता है चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो उस खास क्लब के अंदर जाता है और मिस्टर ली से मिलता है। मिस्टर ली उससे कहते हैं कि चलो बाहर चल करके बात करते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे फ्रैंक का भी पैसा लौटाना है और वो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद उस क्लब में एक मोटी पार्टी को चुन लेता है जिसके पास वो एक मोटा पैसा लगा सके ताकि जीतने के बाद वो उसे पैसा लौट दे सके। ऐसे ही फ्रैंक वहाँ पहुंच जाता है। वो उस मोटी पार्टी के पास पहुंचता है, उससे कहता है कि क्या मोटी बाजी यहीं लगाई जाती है। तो वो बिजनेसमैन कहता है कि हाँ। वो उसे बड़ी शक की निगाहों से देख रहा होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती कि वो इतना सारा पैसा उधर लगाने वाला है। जिम बैरेट बैग से सारा पैसा निकालता है, उसकी टेबल के आगे रख के कहता है कि सारा का सारा पैसा ब्लैक पर लगा दो। ये देख करके उस पूरे क्लब का अटेंशन उस पर आ जाता है और वो बिजनेसमैन उसको इजाजत दे देता है और डील डन करता है। जैसे ही रोलेट घुमाया जाता है सबकी सांसें अटक जाती हैं, खास तौर पर जिम बैरेट की, क्योंकि यही चांस होता है उस पर दोनों का पैसा उधार चुकाने का। जिम बैरेट की किस्मत अच्छी होती है और इस बार ब्लैक ही आता है और वो पैसा जीत जाता है और उसके सांस में सांस आती है। वो पीछे मुड़ता है और उस बिजनेसमैन से कहता है कि मैं गैम्बलर नहीं हूँ, ये पैसा मैंने फ्रैंक की तरफ से लगाया था। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। असल में जिम बैरेट दिल से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता था और वो इस झमेले से निकलना चाहता था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ देती है और वो पैसा जीतता है और सबका पैसा उधार चुका देता है। इतने में पीछे से फ्रैंक आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि एक डेला भी नहीं है। तो वो उससे पूछता है कि अब तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे करोगे। तो वो उससे कहता है कि मेरी गाड़ी में 50,000 रुपये तुम्हारे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो वो ले लो और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत अब अपने तरीके से करूँगा और वो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। फ्रैंक बहुत खुश होता है क्योंकि एक फ्रैंक बहुत अच्छा आदमी होता है, वो चाहता था कि वो सुधर जाए। अब वो भागता हुआ सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहा होता है क्योंकि उसने उससे वादा किया होता है कि अगर मैं तुम्हारे घर पे अपने दरवाजे पर लौट आऊँ तो समझ लेना कि सब कुछ ठीक हो चुका है। और जैसे ही वो उसके घर पर पहुँच कर दरवाजा खटखटाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी समझ जाती है। तो कहीं ना कहीं अब कहानी का अंत ये दिखाया गया है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, फ्रैंक अब सुधर गया और वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से जीना चाहता है।